हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपका रहता है कि सर, सीएम में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में आपका आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? अगर आप इसको एज अपना करियर बनाते हैं तो आने वाला टाइम कैसा है? देखिए, सबसे पहले जिनको नहीं पता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएम में होता क्या है, सीएम में इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक अ सीए सीएस। ठीक है, जैसे सीए है, जैसे सीएस है, वैसे ही सीएम में भी है। सबसे पहली चीज मैं सीएम स्टूडेंट्स को ही कहूंगा, कभी भी अपने आप को सीए से सब कंपेयर मत करना। मतलब आई रियली हेट कि सीए और सीएम में आपस में कंपेयर करते हैं कि मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं। दोनों बहुत अच्छी प्रोफेशन है, इक्वल प्रोफेशन है। दोनों की अपनी अपनी प्लेस है, अपनी अपनी रेपुटेशन है और अपने अपना करियर है। सो जो सोशल मीडिया पर डिबेट्स दिखती है उनमें कभी आप एंटर मत करिएगा और हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए कि सीएम इज अ वेरी गुड करियर। ठीक है, मैं सी हूं बट आई एम सीइंग यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीएम में करियर के अपॉर्चुनिटीज क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क क्या होता है। दो वर्ड है, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूँ, मोबाइल का संबंध में जल्दी आता है। आपने अभी मार्केट में एक नया मोबाइल लॉन्च करना है, हमने कह दिया नोकिया को लॉन्च करना है। ठीक है, मार्केट में उसने देखा कि 15,000 में सैमसंग का ऑलरेडी मोबाइल है और मैं एज इट इज सेम मोबाइल लेके आ रहा हूँ। अब 15,000 का ऑलरेडी है, मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, 15,000 से ऊपर मेरा सेल आउट नहीं होगा। तो नोकिया ने सोचा कि मुझे क्या करना है, 14,000 में मार्केट में सेल करना है। 14,000 में सेल करने के लिए टारगेट बनाया कि 10,000 के अंदर अंदर मेरा बन के रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे भी अर्न करना है और आगे रिटेलर होलसेलर को भी अर्न करना है। तो 10,000 मेरी कॉस्ट आएगी। अब क्या ऐसे ही कि बस बनाना शुरू हो गया स्टार्ट? नहीं, अब कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम होता है अपनी कॉस्ट को वैल्यू करना कि मैं इस मोबाइल को बनाऊं। एक छोटे छोटे पार्ट्स की उस पर वैल्यू होती है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें की, कितनी लेबर, कितनी लाइट, कितना स्पेस, रेंट जाएगा, 10,000 चीजें होती हैं जो कंपनी को कंसिडर करनी होती है। पता चला कंपनी ने सोचा नहीं, बना दिए 1,000 पीस बना दिए, बाद में पता चला अरे इसको तो बनाने की कॉस्ट ही मेरी 20,000 रुपीज आ गई। अब मार्केट में ये सेल होंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना सारा। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कॉस्ट। कंपनी का पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट दो तरीके से कमाया जा सकता है, या तो महंगा बेच के या सस्ता बना के। सही बात है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, या तो मैं क्या करूँ, 120 वाला सामान मैं 140 में बेच दूं, या फिर 120 वाला सामान जो मैं बेच रहा था पहले 100 रुपए का बन के मुझे तैयार हो रहा था, अभी मैं उससे 80 का बना दूं तो मुझे 40 रुपए का मार्जिन बन गया। सो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा होती है, सर्विस सेक्टर में भी बहुत। सो यहाँ पे सीएमए का एक बहुत मेजर रोल आता है कॉस्ट आइडेंटिफाई, उसकी कैलकुलेशंस करना, उसके पूरी अकाउंटिंग करना, उससे डिसीजंस लेना, उसको बताना कंपनी को कि कैसे आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, कहाँ पे आप कॉस्ट ज्यादा इनकर कर रहे हो, कैसे इन चीजों को कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। तो बात समझ में आ रही है? तो कंपनी के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट एक एसेट है, बहुत बड़ा वैल्यू है उसकी। अब बात करते हैं आने वाला टाइम, जो फ्यूचर है, फ्यूचर की मैं बात करता हूँ आफ्टर कोविड, कोरोना वगैरह के बाद। अभी कोविड पीरियड में क्या हुआ, चाइना में से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो थी वहां से हट गई बहुत सारी, वो कहाँ पे आई, इंडिया में। ठीक है, और आ रही है, और आने वाले 5-7 साल में बहुत सारी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बनाएंगी। जैसे ही मैंने कहा नई कंपनी आएगी, वहीं पे सीएमए की वैल्यू आ गई, डिमांड आ गई, कॉस्ट होगी ना, मैन्युफैक्चर करेंगी कुछ, वहां पे कॉस्ट आएगी ना, खर्चा आएगा ना। सो उनको क्या चाहिए होंगे, वहां पे उनको कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए होंगे, सीएमए रिक्वायर्ड होंगे। तो जितनी ज्यादा कंपनीज अभी आने वाली हैं उतनी ही ज्यादा सीएमए की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे लगता है, जो मैं न्यूज में देखता रहता हूँ, आने वाले 5 और 6 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब के थोड़े डाउन साइड में रहेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और बहुत सारी जगह मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज भी है उनमें भी गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम आते रहते हैं कि अब हम नई वैकेंसीज नहीं निकालेंगे, ये जो पहले की रुकी थी वो, और फिर जैसे कलेक्ट होते जाएंगे ना वैकेंसीज नहीं आ रही, तो पुराने स्टूडेंट्स भी अप्लाई करने के लिए होते जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो वहां पे पहले भी अगर आप देखें तो एक वैकेंसी के लिए टाइम टू टाइम आता रहता था, पता नहीं रेलवे में 1,000 वैकेंसीज निकली हैं और उसके लिए 1,000,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। पासिंग परसेंटेज देख लीजिए, सिलेक्शन परसेंटेज 0.1% आई थिंक आता है कहीं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। सो सीएमए बहुत अच्छा करियर है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है,
इजिली मैनेजेबल है अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज करते हो तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और फिर लाइक मैं अगर फाउंडेशन से आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बहुत इजी तरीके से 11th 12th का बेसिक बना के चलता हूँ। साइंस साइड के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा अपना इसमें करियर बना सकते हैं। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना फाउंडेशन का, फिर आगे क्लियर हो जाता है। मैं क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर ही देता हूँ फाउंडेशन में आपके साथ, तो जब ऑनलाइन क्लासेज हमारी चलती हैं ऑफलाइन हरिद्वार में, तो वहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है ना CMA से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज ड्रॉप करना, आई विल डेफिनेटली शेयर अबाउट माई व्यू। और उसके अलावा क्लासेज वगैरह की कोई भी डिटेल चाहिए आपको तो लिंक भी मिल जाएंगे, बाकी कमेंट करके आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स मैं लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।